बुधवार को रेल मंडल प्रबंधक वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बाग एक्सप्रेस को दुर्घटना का शिकार होने से बचाने वाले इकरा पब्लिक स्कूल के छात्र मोहम्मद शाहबाज को सम्मानित किया है। ज्ञात है कि दिनांक 1 जून 2024 शनिवार को समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के भोला टाकिस के नजदीक अप लाइन की टूटी पटरी पर हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस दुर्घटना होने से बच गई थी। उक्त ट्रेन में करीब 1300 यात्री सफर कर रहे थे। स्थानीय लोग एवं ट्रेन में बैठे कई यात्रियों ने बताया था कि स्थानीय किशोर मोहम्मद शाहबाज ने अपने अकलमंदी से रेल चालक को अपना लाल रंग का गमछा दिखाकर ट्रेन रुकवाई और ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया था। इधर बच्चे की अकलमंदी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी उक्त बच्चे की हिम्मत की अफजाई की है और सम्मानित करना शुरू कर दिया है। जिले के साथ साथ संपूर्ण बिहार में जो शाहबाज का चर्चा हर एक लोगों की जुबान पर है, इसी कड़ी में समस्तीपुर के DRM ने बच्चों को पुस्तक के अलावा विभिन्न प्रकार का गिफ्ट देकर शाहबाज को सम्मानित किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहबाज ने जबरदस्त सूझबूझ और नागरिक कर्तव्य का उदाहरण दिया है और इतनी कम उम्र का बच्चा जो है उसने देख लिया सबसे पहले तो क्रैक है छोटा सा एक, उसके बाद उसको इतनी समझ थी कि उसने लाल रंग का जो है कपड़ा लहराया जिससे कि ड्राइवर को दिख गया और ड्राइवर रुक गया। तो ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है और मैं चाहता हूँ कि ये एक माध्यम बने, एक संदेश बने देश के सारे बच्चों के लिए, सारे युवाओं के लिए, सारे नागरिकों के लिए कि नागरिक जो है उनकी सिर्फ राइट्स नहीं होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जब भी देश की संपत्ति या अपना पर्यावरण जैसे हो गया इसको कोई भी हानि पहुँच रही है तो उन्हें उचित कदम उठाना चाहिए या अपने स्कूलों को सूचित करना चाहिए जिससे कि कोई उचित कदम उठा। तो हम यही चाहते हैं कि शाहबाज की कहानी जो है एक प्रेरणा स्रोत बने देश के सारे बच्चों को। पुस्तक दिया गया सर मथुरापुर के रहने वाले रूम के किराए को 18 साल से किराए के लिए क्या हुआ बोले की पट्टी टूटी हुई है, वो देखे बोले शाबाश। उसके बाद वो रेल वाले अंकल से बोला है वो काम किए, ट्रेन चली गई 3 से 4 बजे तक काम चलता है, फिर वो लोग काम करके चले। क्या लग रहा है, सम्मानित किया जाएगा, क्या लग रहा है?